यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और बहुत मजे में हैं, है ना? हेल्दी एंड सेफ एट योर होम्स। सो एज वी हैव डन द टॉपिक नंबर इन आवर लास्ट क्लास, हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक नंबर किया था ऑफ द वोकैबुलरी पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 8th, एंड टुडे वी विल मूव विद द सेकंड टॉपिक, दैट इज जेंडर। ये भी हमने बचपन में किया है, हमें सुन के तो ऐसा लगेगा ये क्या है। हाँ, ये चीजें तो बहुत हमें भी पता है कि डॉग का बिच होता है, स्टैग का हाइंड होता है, विजार्ड का विच होता है, नेफ्यू का नीज होता है, ये सब तो मैन का वुमेन होता है, मॉन्क का नन होता है, ये तो सब मैम पढ़े हुए हैं। ये आप क्या बच्चों जैसे टॉपिक करा रहे हो? बट ये बच्चों जैसे टॉपिक क्योंकि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है तो हमें करने तो पड़ेंगे। सो बिगनिंग विद आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज जेंडर। Now, genders are basically of four types, okay? जिसमें हम basically main work करते हैं two पे, masculine and feminine. So first gender जो हम है, we'll say it is masculine gender. Masculine gender basically होता है जो males का, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पुरुष कहते हैं, नर, जो पुरुष जाति का, नर जाति का बोध कराते हैं, which refer to the man are known as masculine genders. Like for example, अगर हम nouns देखते हैं तो examples are boy, father, king, uncle, horse, etc. And when we move to the pronoun section, we see he, his, him, his father, etc. तो ये सारे क्या है? Nouns and pronouns of masculine gender. Then we move to the feminine gender. Feminine is basically जो female से refer करता है, जो that is स्त्री, जो मादा जाति का बोध कराता हो, उसे हम feminine gender बोलते हैं। ठीक है, तो like nouns, अगर वहां पे boy था तो यहाँ girl है, वहां father था तो यहाँ mother है, वहां king था तो यहाँ queen है, uncle था तो aunt है, horse था तो mare है। Similarly pronoun, where there was he, तो feminine made she, his, her, him, her, his father, her mother, तो इस तरीके से masculine और feminine का फर्क होता है, fine? So masculine is basically that refer to the male category and feminine is that refers to the female category. Then see, यहाँ पे है हमारे पास में थर्ड जेंडर इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता है दैट इज कॉमन टू बोथ, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल। कुछ ऐसे वर्ड्स जो रेफर करते हैं बोथ, उसमें मेल भी इंक्लूडेड होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी से स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट के अंदर गर्ल्स भी होती है एंड बॉयज भी होते हैं, तो कॉमन जेंडर क्या हो गया? स्टूडेंट। फ्रेंड, फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो फ्रेंड इज ऑल्सो वॉट? इट इज अ कॉमन जेंडर। डॉक्टर, डॉक्टर कैन बी अ लेडी डॉक्टर, कैन बी अ जेंट्स डॉक्टर, सो डॉक्टर इटसेल्फ इज अ कॉमन जेंडर यूज। बेबी, बेबी कैन बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? बेबी। चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड, तो इट इज अ कॉमन जेंडर अगेन। टीचर, टीचर कैन बी मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, सो कैन बी फीमेल और कैन बी मेल, तो टीचर भी है, वॉट इट इज? इट इज अ कॉमन जेंडर। देन वी से एलिफेंट, तो अब एलिफेंट में ही एंड शी दोनों आ जाएंगे, मेल एलिफेंट एज वेल एज फीमेल एलिफेंट, तो दीज आर द कॉमन जेंडर्स। कॉमन जेंडर्स बेसिकली रेफर्स टू द वर्ड्स, द नाउन्स और प्रोनाउन्स दैट रेफर्स टू बोथ, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल, पुरुष और स्त्री, नर और मादा, इनको जो रेफर करता है उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। Now we come to the neuter gender. Neuter gender is basically जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं, दोज आर यूज फॉर लाइफलेस प्रोडक्ट्स और दोज आर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये ना तो मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफलेस प्रोडक्ट्स लाइक हाउस, चेयर, टेबल, बुक, गार्डन, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर वॉट? दीज आर न्यूटर जेंडर। सो वी डिड मैस्कुलिन जेंडर, दैट इज जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? पुरुष से जो डील करता है, ठीक है। देन कम टू दी फेमिनाइन जेंडर, जो स्त्री से डील करता है, लेडी से। देन कम्स टू दी कॉमन जेंडर, जिसके हम उभयलिंग बोलते हैं, दैट इज कॉमन टू बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। एंड देन कम्स टू द न्यूटर जेंडर, जो नपुंसक लिंग होता है, जो बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर थिंग्स जो बिल्कुल लाइफलेस है या नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए। तो जब हम बात करेंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाना, तो जो वर्ड चेंजेस है वो आप देखोगे, कुछ रूल्स होते हैं इसके। तो देखो, ब्रदर
सिस्टर कुछ ऐसे हैं जिसमें वर्ड ही चेंज हो जाता है, शब्द का परिवर्तन. सो ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सन डॉटर, अंकल आंट, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन, सर मैडम, जेंटलमैन लेडी, पापा मम्मा, डैडी मम्मी, मैन वुमेन, मॉन्क नन, नेफ्यू नीज, विजार्ड विच, हीरो हीरोइन, हॉर्स मेयर, बुल काउ, डॉग बिच, फॉक्स विक्सन, कॉक हेन, स्टैग एंड हाइड. सो यू हैव सीन दैट कम्प्लीटली अ वर्ड इज चेंज, वर्ड ही चेंज हो गया यहाँ पे. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से जब हमने स्त्रीलिंग किया तो शब्द का पूरा परिवर्तन हो गया, दैट इज वर्ड इज कम्प्लीटली चेंज. नाउ देर आर सम, जहां पे आप क्या करते हो, लास्ट में जो होता है लास्ट वोवल को हटा करके आप उसके अंदर ई डबल एस लगा देते हो. ओके, लास्ट वोवल को आप हटाकर उसमें क्या लगाते हो, ई डबल एस लगा के उसको फेमिनाइन, लाइक एक्टर, तो इसका क्या हो गया, एक्ट्रेस. जो भी लास्ट वोवल है उसको आपने रिमूव किया, एम्बेसिडर एम्बेसिडरेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस. तो लास्ट वोवल कौन से, इसमें ओ है ना, ओ रिमूव कर दो, आर रहेगा ही, ई डबल एस लगा रहे हो आप, देखो ओ हटा दिया आपने, है ना. उसके बाद में आपने आर से यूज किया, यहाँ पे ई लास्ट वोवल है तो ई हटा दिया, आर को यूज करके बाद में ई डबल एस, इधर भी ई को रिमूव किया, आर लगा के ई डबल एस. तो इस तरीके से लास्ट वोवल को रिमूव करके आप ई डबल एस लगाओगे. तो कंडक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस, टाइग्रेस, हंट्रेस एंड ट्रेट्रेस. ठीक है, थर्ड इज जो मेन आपका मैस्कुलाइन फॉर्म होता है उसको बिना चेंज किए आप उसके अंदर ई डबल एस, जैसा है बस उसमें आगे ई डबल एस करोगे. जैसे लायन इज कन्वर्टेड टू लायनेस, प्रिंस इज कन्वर्टेड टू प्रिंसेस, जायंट इज कन्वर्टेड टू जायंटेस, हायर इज कन्वर्टेड टू हायरेस, होस्ट इज कन्वर्टेड टू होस्टेस एंड पोएट इज कन्वर्टेड टू पोएटेस, प्रीस्ट इज कन्वर्टेड टू प्रीस्टेस, author is converted to authoress. Okay, now fourth is जो आपका main word होता है उसमें आप ई डबल एस या एस एस या एस लगा सकते हो, कुछ भी उसमें लग सकता है, ई डबल एस, डबल एस और सिंगल एस. लाइक एम्परर है तो आपने वही ओ को रिमूव किया और उसके बाद में आपने क्या किया, ई डबल एस लगा दिया, एम्प्रेस. मास्टर में आपने मिस्ट्रेस, ठीक है, मिस्टर का मिसेस, गॉड का गॉडेस. तो इस तरीके से ये आप बिल्कुल जो हम बोलते हैं ना अनियमित रूप से फेमिनाइन्स बनते हैं, ये वो है. देन इज दो शब्दों के कंपाउंड वर्ड्स, जो टू टू वर्ड्स होते हैं ना उसके जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके आपको फेमिनाइन बनाने के लिए कुछ में प्रारंभ तथा कुछ में आपको अंतिम शब्द का फेमिनाइन बनता है. कुछ में तो क्या होगा, लास्ट में, और कुछ के अंदर जो होता है बिगनिंग में, और कुछ में एंड में जो शब्द का जो होता है उसका फेमिनाइन बनता है. जैसे मैन सर्वेंट, तो इसमें देखो इसमें बिगनिंग स्टार्टिंग वाले वर्ड का बन गया, तो क्या हो गया, मेड सर्वेंट. ग्रैंडफादर, अब इसमें लास्ट वर्ड को कन्वर्ट किया है, ग्रैंड मदर. लैंड लॉर्ड, अब लैंड इसमें लास्ट वर्ड है, लैंड लेडी. पीकॉक, तो इसका क्या हो गया, पी हेन. ओके, तो मैन सर्वेंट इज मेड सर्वेंट, ग्रैंडफादर इज ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी एंड पीकॉक का पी है. सो आपने देखे ये फाइव टाइप के रूल से हमने चेंज किया, मैस्कुलाइन से हमने फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट किया. सो बेसिकली जेंडर क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मेन, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत होते हैं. कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलाइन दैट इज पुल्लिंग, फेमिनाइन दैट इज स्त्रीलिंग, उसके बाद में कॉमन जेंडर जिसे हम बोलते हैं उभयलिंग, और उसके बाद में हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर जिसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग. सो मैस्कुलाइन जेंडर बेसिकली दैट रेफर्स टू मैन, पुरुष, नर जिसको हम बोलते हैं. फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल जिसको स्त्री और मादा कहते हैं. कॉमन जेंडर जिस जो ना हम बोलेंगे मेल के लिए होता है ना फीमेल के लिए होता है, दोज आर द वर्ड्स विच आर कॉमनली यूज फॉर आइदर मेल और फीमेल. एंड देन वी कम टू द लास्ट दैट इज
न्यूटर जेंडर, न्यूटर इज बेसिकली जो क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है, नाइदर मेल नाइदर फीमेल, इट इज फॉर अ लाइफलेस थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग. सो मेनली जो हमें कन्वर्जन करने होते हैं वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन. यू विल बी गिवन अ मैस्कुलाइन जेंडर एंड यू हैव टू राइट इट्स फेमिनाइन जेंडर. ओके, सो दीज वर बेसिकली द जेंडर फॉर्म्स एंड आई होप इट इज वेल एक्सप्लेन. वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक, जस्ट गो थ्रू इट. Try to do the exercises of it and you will get to understand them nicely. Okay, learn them properly. इसमें से इनको आप learn करेंगे because learning of these masculines and feminines is going to be very useful for you. So, with this, the topic gender is complete and what you have to do, now you have to go through it nicely, understand it. I hope everything is well explained to you. Now we will meet with another topic in our next class tomorrow. Till then, go through it, study well, and take care of yourself. Stay home and stay safe.